नहीं <laughs> ऐसी कोई बात नहीं है आई थिंक मीडिया पे जो भी बात आती है कुछ सच होते हैं कुछ गलत होते हैं uh, मैं बाबर के बारे में बात ही नहीं करना चाहूँगा क्योंकि हमारी टीम जिस तरह खेल रही है आई थिंक uh, हमें थोड़ा सा रिजल्ट्स की तरफ जाना चाहिए क्योंकि जिस जिस कंडीशंस में हमारी बैटिंग आ रही है और हम फिनिश नहीं कर पा रहे वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है सेकेंडली आई थिंक बॉलिंग हमारा जो डेथ ओवरस है वो फैक्टर्स थे और थर्डली मैं देखें सच मैं आपको बताऊं चौदह में से तेरह मैच हम हारे हैं नो डाउट फैक्ट्स को कोई डिनाई नहीं कर सकता लेकिन स्टिल टूर्नामेंट में अभी तीन मैच हुए और सेवन मैच है हमारा फर्स्ट टारगेट है सबसे पहले मैच जीतना उसके बाद प्ले के लिए क्वालिफाई करना यह हमारा टारगेट है अब टॉप टू में भी आ सकते अगर आप सेवन गेम्स जीतें लेकिन रियलिस्टिकली uh, आप देखें तो हमें प्ले में सबसे पहले आना है और उसके बाद हमने देखना है कि हम कैसे लें और एक बार अगर टीम मोमेंटम गेन कर ले विनिंग विनिंग स्ट्रीक के साथ क्योंकि हम लूजिंग स्ट्रीक के साथ ही खेलते आ रहे हैं लास्ट सीज़न भी और अभी भी एक बार वो जीत का आपको कहते हैं जैसे जीत का कोई नशा हो या कुछ हो आप पर आ जाए तो उसके बाद आप एक अनफोसबल uh, टीम होते हैं सो अभी तक ऐसा नहीं हो पा रहा uh, और ये हमारी ही गलतियाँ हैं ना मीडिया की है ना बाहर किसी की है. हम लोग ही गलत खेल रहे हैं तो इसको मैं कहूँगा कि हम लोग बैठेंगे फिर से और कोई एक बंदा टर्न अराउंड करने की कोशिश करे मैच जितवाए ताकि सबका बिलीफ वापस आए और फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी एनी स्पोर्ट्स एनी करियर सो आई स्टिल हैव फेथ इन कराची अच्छा इमाद टूर्नामेंट से पहले आपने कहा था कि हमने ज़्यादा मैच विनर्स शामिल किए हैं इस मरतबा तो समझ नहीं आ रहा वो मैच विनर्स हैं कहाँ चौदह में से आपको तेरह मैचेस आप हार गए हैं और दूसरा बार बार तब्दीलियां भी कर रहे हैं आप टीम में तो क्या पैनिक बटन दब गया है अभी से ही <laughs> देखें आ, सारे मैच विनर्स हैं कोई ऐसा कोई ऐसा प्लेयर मैं नहीं समझता जो ना हो कॉम्बिनेशन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं हैविंग साइड दैट कंडीशन भी हम देख रहे हैं किस कंडीशन में हम कैसे खेल रहे हैं सो so, कॉम्बिनेशन अभी उस तरह बन नहीं पा रहा वंस uh, क्योंकि अब तो तीन गेम्स हो चुके हैं अब हमें रियली uh, बैठ really के सोचना पड़ेगा कि किस कॉम्बिनेशन से खेलें और किस तरह की क्रिकेट खेलें सो देखें मैच फिनेस तो है मैं अभी भी यही कहूँगा uh, जब तक टूर्नामेंट से एलिमिनेशन लिखा नहीं आता मैं कभी भी आपको ये नहीं बोल सकता कि हम नहीं जीतेंगे तो हम कोशिश यही करेंगे सबसे पहले प्ले के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करें और गेम बाई गेम लेके चलें हमने तीन टीम्स के साथ खेला है हमें आइडिया है उनके वीकनेस और प्लस पॉइंट का सो आई थिंक नेक्स्ट टाइम जब भी हम इन टीम से दोबारा खेलें और अगर जीत हमारे साथ हो और हम अच्छी क्रिकेट खेलें तो हम प्ले में पहुंच सकते हैं देखें प्रेशर तो आप चाहे फ्रेंचाइज खेलें चाहे इंटरनेशनल खेलें अगर आप हारेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर उस तरह नहीं आता कि मीडिया के दबाव से आ रहा है या इस तरह नहीं आता ऑब्वियसली आप देखते हैं सोशल मीडिया सारा कुछ होता है आई थिंक कराची को प्यार भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं थोड़ा सा हल्का पुल्का कह भी देते हैं सो so, वो चीज़ मेरे उसमें बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मेरी जॉब यही है जब तक मेरी जॉब है कि हमारी टीम जीते अच्छा खेले एज अ कैप्टन मैं बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं हूँ इस तरह का यस वी लॉस द गेम स्पोर्ट्स में ऐसा होता है कि आप हारते हैं लेकिन ऑनेस्ट ऑनेस्टली बात बताऊं कि मैं बिल्कुल भी इस तरह प्रेशर नहीं हूँ वन विन कैन टर्न अराउंड बिल्कुल uh, हम इस पर बैठ के डिस्कस करेंगे आई थिंक uh, uh, देखें फेयर uh, रन होना चाहिए आई थिंक कुछ लड़कों को फेयर रन मिल चुका है सो तो अब कॉम्बिनेशन एक बार हम बनाएंगे उसके बाद हम बैठेंगे बात करेंगे आज आज की रात है कल सुबह तो कल आके फिर से कोशिश करेंगे कॉम्बिनेशन बट एक बार कॉम्बिनेशन सेट हो जाए और आपकी टीम जीतने लग जाए तो थिंग्स एन टर्न अराउंड अभी तो सेट फेस है तीन चार मैचों बाद नेवर नो कि हम क्वालिफाई की तरफ जा रहे हैं और आ, सारे खुश हो